अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल गुड। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, अपने फार्म पे मौजूद हैं हम लोग। करीम्स कैटल फार्म हो चुका है, गोट्स ख़त्म हो चुके हैं। पहले ही बता दूं भाई, काफ़ी लोग गोट्स के हवाले से रब्ता कर रहे हैं भाई, गोट्स ख़त्म हो चुके हैं। स्पेसिफिकली आज यही हमारा टॉपिक है कि आप पलाई के हवाले से पूरा टॉपिक है आज। तो मानी मेरे साथ मौजूद है, इससे भी पूछेंगे सारी चीज़ें कि किस कैटेगरी का जानवर हम लोग ले रहे हैं और किस रेट्स पे ले रहे हैं, हमारे पलाई चार्जेस क्या हैं। तो ये सारे बहुत सारे सवाल आ रहे थे कमेंट में भी, और व्हाट्सएप में भी काफ़ी लोग हम लोगों को व्हाट्सएप कर रहे थे। तो और पलाई कब से शुरू हो रही है, क्या सीन है, क्या मामला हैं, तो ये सारे सवाल पूछेंगे मान से। तो मान, क्या हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम भाई। देखने वालों को भाई, पलाई तो अगस्त का बोला था और अगस्त स्टार्ट होने में वाला ही है। तो हमारे पास अलहमदिल्ला से देखा जाए तो आधा तो जानवर अल्लाह के करम से पिछले साल ही आ गया था माशाल्लाह से। तो बस यही है, आधी स्लॉट समझ लें और बाकी हैं। तो खैर, आवाज़ तो नहीं आ रही होगी, पीछे बकरा जो है आवाज ना नहीं बड़ा आ रही जोर होगी से वो, माइक चिल्ला रहा चला है। लो। बहरहाल, तो अब स्लॉट्स के हवाले से और रेट्स के हवाले से बता दे। स्लॉट्स वैसे पहले ही बता दूं बहुत लिमिटेड है, और उसमें से भी वीडियो से पहले ही काफ़ी स्लॉट्स 4-5 के करीब तो समझना ऑलरेडी बुक बुक हो है। चुकी हैं। और टोटल में वैसे तो 19 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, जिसमें बछड़ों की जो है वो 19 स्लॉट्स, 19 स्लॉट्स अवेलेबल है बछड़ों के लिए, बछड़ों बाकी की हाँ 19 स्लॉट्स बछड़ों के उसमें अवेलेबल है, स्लॉट्स और बछड़ियों में जो है 9 नौ स्लॉट्स स्लॉट्स बाकी हैं अवेलेबल हैं अवेलेबल। टोटल। तो ये सीन है, यानी टोटल में 28 स्लॉट्स अवेलेबल है। सही है ना, 28 हाँ, बन रहे हैं। 28 बनते हैं। वैसे तो हमारी कैपेसिटी तो 35 ज़्यादा की है, नहीं, लेकिन वैसे जो है ज़्यादा नहीं कर टोटल रहे हैं, ज़्यादा लेकिन की है। खुला हाँ, खुला रखने के जब अगर इरादा है ज़्यादा। और 4 बछड़े और फिर हमने अपने अपने भी रखे अपने हैं। अपने लिए भी कुछ जगह रखी। बहरहाल, ऐसे कैटेगराइज ऐसे है कि भाई जो रेट्स हैं वो मिनिमम मिनिमम जो है ना वो 25,000 पर मंथ चार्जेस हैं बछड़ा बछड़ियों। अच्छा, कैटेगराइज क्या है कि 8 मंथ से लेके हम जानवर अब ऑनवर्ड ले रहे हैं, यानी 8 मंथ से नीचे का कोई भी जानवर नहीं, क्योंकि जो जो स्लॉट्स थी बच्चों की वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। सही, आपको पता है 10-11 या पता नहीं 12 के करीब बच्चे बच्चे हैं आ चुके हैं। जो इससे नीचे ही हैं। कोई 4 पन है, कोई 5 पन है, कोई 6 मन है, इस टाइप के अच्छा, काफी लोग जो है ना वो मन में समझ में नहीं आता उनको जानवर लाइव देख वेट। के, हाँ लाइव वेट समझ में नहीं आता, वो हाँ जानवर देख के अंदाजा करते। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि जानवर को देखते हैं और उसको अंदाजा लगाते हैं, भाई इस कैटेगरी का जानवर होगा तो हमारे ये चार्जेस होंगे, और इस बड़े कैटेगरी का होगा तो हमारे क्या चार्जेस होंगे, और भाई देख, दरमियाने होंगे तो उस पर जाहिर सी बात है उसी के बीच में मामला ठहर रहे होंगे। अच्छा जी, ये सीन है कि जो हमारे पास जो बछड़े, जैसे समझ लें हमारा राजा है, चपाटर है, पॉपकॉर्न, अस्वर अस्वत, या नायाब वगैरह, नायाब, ब्लैक ये पैंथर, सारी, हाँ ये सारे जो आ रहे हैं ना, ये 25 की कैटेगरी में ही आ रहे हैं। ये 8 से लेके जो 12 मन के दरमियान के जो भी जानवर होंगे ना, वो 25,000 पर मंथ के हिसाब से उनके चार्जेस हैं। सही, और जो जैसी 12 मन से ऊपर क्रॉस हो जाएगा जानवर का वेट कोई भी हो आया, तो वो जो है वो 30,000 पर मंथ के हिसाब से फिर वो चला जाएगा। बाकी ये जो कैटेगरी है, यानी जो 12 मन से ऊपर जा रही है, वो 12 मन से लेके तकरीबन जो है ना वो 17 मन तक के, जब तक वो रहेंगे तब तक वो 30 पे रहेंगे। और जैसे ही 17 मन से ऊपर इंशाल्लाह जाते हैं, तो या अगर अभी भी कोई रब्ता करेगा, बड़ा ही जानवर डायरेक्ट दे रहा है 17 मन का, जैसे अभी भी कुछ लोग हैं जो कि 16-17 मन के मुझे लग रहा है वो जानवर, जो वीडियोस में देखा है तो वो ऐसा लग रहा है, तो वो 35,000 पर मंथ के हिसाब से उनकी कैटेगरी है। अच्छा, इन सब में एक 5,000 प्लस का इस दफ़ा हमने एलिमेंट रखा है। पिछली दफ़ा ऐसा था कि सबका एक जैसा था, कि जो छोटे हैं उनके 20,000 थे और जो बड़े थे उनके ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव फाइव थाउजेंड थाउजेंड थे तो उसमें ये था कि भाई यही ऑप्शन है। लेकिन इस दफ़ा चेंज किया है, क्योंकि कुछ पिछली दफ़ा भी ऐसे जानवर हो और इस दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जानवर है जिनके अंदर कैपेसिटी ऐसी है, अगर कि उनको और ज़्यादा जो है ना उनके फीड वगैरह में, क्वांटिटी उनकी उनकी उनके बढ़ाई तेल और जाए, घी में बढ़ाया के बढ़ाया जाए, दिया क्योंकि जाए, तो वो रिजल्ट और अच्छे ला सकते हैं या लाएंगे इंशाल्लाह। तो इस हिसाब सारी से बात नस्ल पे भी होती है ना, कि बिल्कुल नस्ल बिल्कुल, कितने एक क्या मिसाल नस्ल में देता है। हूँ मैं, जैसे जैसे लाल बादशाह हमारा है, और बाकी देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ये सारे ही उस टाइप के हैं आपकी दफ़ा, कि जिन पे डबल मेहनत की जाए तो डबल रिजल्ट भी आएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो 25,000 वाली कैटेगरी है वो 30,000 पे भी उनको पलाई पे दिया जा सकता है। उसमें यही होगा कि भाई जानवर के जो है वो डाइट डबल हो जाएगी, उनका जब तेल चल रहा होगा तो वो डबल दिया जाएगा, घी चल रहा होगा तो वो डबल दिया जाएगा। तो ये सिंपल एक फॉर्मूला हमने रखा है जो कि मेन चीज़ है। बाकी पलाई के अंदर वैक्सीनेशन भी शामिल होती है, खुर कटिंग हो गई, सींगे बनवाना हो गई, या जो भी चीज़ें हैं वो सब इसी में हमने शामिल की भी होती हैं। 25 वाले के
शामिल वो ही चीजें होंगी जो थर्टी सबको वाले में, सबको सबको एक सेम ही सारा होगी, ये तो ट्रीट सब किया सेम जाएगा, होगा। बस वनडे की जो क्वांटिटी है और चीजों की जो क्वांटिटी है वो हम लोग, जाहिर सी बात है बड़ा जानवर होगा तो उसको ज्यादा देंगे और जो छोटा होगा उसकी कैपेसिटी के हिसाब से वही दी जाएगी। सही, तो ये तीन है, बाकी मेडिकेशन भी इसी में इसी शामिल है, में काफी शामिल लोग है बोल रहे खुर होते हैं। अच्छा, कटिंग। मेडिकेशन में देखिए एक लिमिट तक जाहिर है एक शामिल होती है, लेकिन अगर कोई मेजर कोई मामला आ जाता है जानवर के कुछ ऐसा जिसमें ज्यादा कोई खर्चा होता है, जैसे पिछली दफा एक वैक्सीन जो है वो आपको पता है लंपी की लंपी वैक्सीन जो की है पर एनिमल 1000 जो है ना हिसाब की थी, तो हमारे पास 50 के करीब जानवर थे और सबको लगानी थी, तो यार 50,000 रुपये तो हम एकदम से अपने उसमें से निकालने से रह रहे थे, इसलिए हमने वो रिक्वेस्ट सबसे कर दी थी, तो सबने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन दे दिए दे थे। दिए थे तो पैसा। ये एक ऐसा कोई मामला है या कोई जानवर की कोई बहुत बड़ी क्रिटिकल बीमारी ऐसी आ गई जिसमें ज़्यादा खर्चा हो रहा है, मेडिकल वगैरह ज़्यादा लग रहा है, एक्सपेंस ज़्यादा लग रहा है, तो फिर वो एक हम लोग उसका थोड़ा सा लेकिन देखा एक्स्ट्रा लेंगे। जाए तो अलहमदुल्ला वैसे लंपी हमने लंपी सिर्फ लंपी के अलावा और वैक्सीन के कोई अलावा भी एक्स्ट्रा चार्जेस हाँ नहीं एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए, और बीमारियां भी अल्लाह का शुक्र है कि वाली नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। आई, कि मुंह खुर वाली जो होती हैं इस तरह की जो बीमारियां होती हैं वो अलहमदुल्ला वैक्सीनेशन प्रॉपर हो गई थी पहले, उससे भी बचे रहे जानवर हमारे। और अलहमदुल्ला हमने जब वैक्सीन ये वाली जो लंपी वाली वैक्सीन है वो हमने टाइम टू टाइम करवा ली थी, तो जानवर काफ़ी हद तक हमारे सेव हो चुके थे। लेकिन फिर भी हवा, तो खैर हवा और मक्खी को नहीं रोक सकते आप, तो उसके हवाले से हमारे आ गए थे कुछ जानवर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे फार्म से अगर मान तुम भी गए नस्बत हो नस्बत, तो हमारा नस्बतन फार्म बहुत अच्छी प्रोग्रेस पे और खैर अच्छी बहरहाल भाई वो वरना याद आ अलग जाएगा टॉपिक हो जाएगा। सुल्तान, याद आ जाएगा नवाब, याद आ जाएगा। बहरहाल भाई हाय बारिश फिर से तेज शुरू हो हाय गई है, और अभी ये है कि भाई पलाई के वजह से यही बातें हैं, बकरों की पलाई ऑफ बकरों की तो हुई हुई पहले ही है, बता दिया फिलहाल आप तो बिल्कुल लोगों ऑफ हुई हुई को। है, और जो है बछड़ों के हवाले से यही है कि यार जब इतनी अमाउंट की पलाई अगर आपने देना है तो जानवर भी उस हिसाब से ही देखें। अभी ठीक है काफ़ी लोग कांटेक्ट जब कर रहे हो तो जानवर को थोड़ा दिखा रहे हैं, तो जो है उसमें यही लग रहा है कि यार मैं उनको बोल देता हूँ कि यार आप इतना इस पे खर्चा करोगे तो यार इससे अच्छा आप थोड़ा और नस्ल वाला या थोड़ा और अच्छी खूबसूरती वाला जानवर खरीदो, काफी जानवर ताकि तो वो हाँ रिग्रेट भी किए, यानी कि हाँ मना भी किया है कि भाई ये नहीं हाँ लेना, ये ज्यादा और बनेगा भाई तो बन तो जाता है जानवर लेकिन उतना अच्छा नहीं बन एक पाता और जितनी आप बात, पलाई हाँ मैं दे देते अपनी हैं। वीडियो में वो जिक्र करना रह गया, मुझसे काफ़ी पंजाब वाले जिक्र कर रहे हैं, भाई पंजाब में कोई पलाई वाला कोई नहीं है क्या, तो वहाँ पर कोई है ना करें यार, क्योंकि वहाँ से यहाँ का मामला चलो पालने में तो पालने जैसे बाहर के ममालिक के लोग पलवाते हैं ऐसे ही हो जाएगा मामला देखा जाए तो, लेकिन क्या है कि यार उसको फिर ट्रांसपोर्टेशन करना तो यहाँ से भेजना उसमें बड़ी एक खच्चर ख्वारी हो जाती है, हम लोग बकरों में इस चीज़ को थोड़ा झेला है, इसलिए थोड़ा सा अगर कोशिश हो तो वहीं पे करें बहरहाल, लेकिन देखते हैं अल्लाह खैर करेगा, लेकिन ये कराची वालों के लिए खैर है देखा जाए तो। बाकी भाई और तो कोई बात नहीं है, बारिश बाकी वैसे पेमेंट्स के हवाले से बात कर लेते हैं हाँ कि पेमेंट पेमेंट्स किस तरह शेड्यूल होती हैं हमारी, जो अगर लेगा जो बाहर वाले भी हमारे हजरात देख रहे होते हैं वो भी मैसेज और कॉल करके पूछ रहे हैं कि पलाई हाँ आप हम लोग, चाह रहे हैं ताकि वीडियो में सारी बात हाँ क्लियर सारी हो जाए, बातें हालांकि क्लियर हो मैं जाए। ये कह रहा था कि जो जब रابطہ करे उसको उस हिसाब से बता देंगे, लेकिन नहीं वीडियो में वीडियो क्लियर हो में क्लियर जाएगा हो ना जाएगी ना तो सामने वाला भी आसानी से उस आप हिसाब उस से हिसाब बात से रابطہ करेगा। करेगा। अच्छा भाई एक बात तो ये तो आप कंफर्म है कि हम लोग जो है ना ऐसे पलाई नहीं देते कि भाई जैसे सिर्फ जानवर दे दिया पाले हम और ईद पे जाके वो या तो पैसे दे देंगे या वो बेचेंगे तो उसके बाद पैसे देंगे, तो ये चीज़ तो भाई नहीं है ना, ये सीन नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जो है ना अपना इतना हमारे पास ऐसा अमाउंट होते नहीं है, हम उधारियों पे आगे काम नहीं कर रहे, यानी कहीं से चारा उधार पे नहीं आता। लैंडलॉर्ड नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारा मामला होता है ना ये होता है कि भाई क्लियर होता है, किसी के कोई पैसे जो है ना पेंडिंग पे नहीं रखते हम लोग, ज़्यादातर तो कोशिश यही होती है, तो पिछली दफ़ा 1 महीने के हमारे चारे के थोड़ा सा लेट हो गए लेट थे। हो गया। अच्छा जी, तो भाई बारिश हो गई थी इसीलिए हम लोगों ने वीडियो रोकने का फैसला किया, काफी तेज बारिश हो गई थी और अभी धूप निकल कर आ गई है, तो बात हमारी पलाई की उससे बात चल रही थी, तो भाई और कुछ बात रह गई है? बस सारी बातें क्लियर हो गई थी, एडवांस के हवाले से बात चल रही थी कि भाई एडवांस में पलाई लेते हैं तो उसमें यही है कि मंथ के जैसे स्टार्ट में स्टार्ट पलाई के, ताकि एक हमारा से लेके 1 तारीख से लेके 5 तारीख के दरमियान में मामला हो हाँ सकते हैं। जो पलाई के पेमेंट्स आ जाएं। बाकी ये है कि जो ये भी एक सिलसिला है कि 4-5 महीने की एडवांस में अगर पलाई देना चाहें तो वो भी एक सिलसिला होता है, उसमें कोई इशू नहीं, लेकिन हम इस पे फोर्स नहीं करते, उनको यही कहते हैं अगर आपको सहूलत हो तो आप तो दे दे दें, दें। क्योंकि हम उसमें फिर हमारे लिए भी अच्छा हो जाता है। बहरहाल
बाकी यार बस क्लियर है, मैंने आपको बता दिया जानवरों के हवाले से बता दिया किस तरीके के जानवर होंगे, अश्वत से लेके अपना देखा जाए तो राजा तक राजा तक जो कैटेगरी है वो जो है ना 25,000 के हिसाब से पर मंथ है। बाकी जो भी इससे ऊपर है यानी 12 मंथ से ऊपर का जानवर होगा वो भाई 30,000 पर मंथ के हिसाब से है, और जो भी 17 मंथ से फिर प्लस में जा रहा है तो वो फिर थर्टी वो फाइव का आ जाएगा। 35 पर मंथ के हिसाब से। बाकी बता दिया इसमें 5,000 प्लस का भी एक एडवांस वो और है। घी तेल का आप लोगों को पता है सर्दी गर्मी के हिसाब से अभी तो चलता है वो मामला, तो ये सर्दी सारी में चीजें मतलब टाइमली आएंगी, हाँ रिजल्ट आपने पिछले सालों के देखे ही, अल्लाह के करम से अलहमदुल्ला जो पिछले साल से रابطہ कर रहे हैं वो भाई अगर मौका मिल गया अभी फिलहाल जगह स्लॉट्स अवेलेबल हैं बाद में। असल में अच्छा एक और बात एक और क्लियर कर दूं, मैंने अपनी वीडियो में भी नहीं कर सका, वो ये है कि भाई सर्दियों से पहले जितने जानवर आएंगे बस वही हैं, उसके बाद नहीं जो है ना पलाई ओपन होगी, सही हो गया। मतलब बिल्कुल आखिर तक में भी पूरी कोशिश होगी कि बिल्कुल ना, क्योंकि उसमें फर्क ही आ जाता है, पलाई का फर्क आता है। सर्दियों में जो चीज आपके पास होके फिर वो जो उसमें मेहनत हुई है भी होती है। हाँ उसके बाद जो बकरीद तक जाता है मामला वो रिजल्ट अच्छा दे रहे होते हैं निस्बतन इसके कि जो बिल्कुल आखिर के उसमें आते हैं फिर वो उसमें वो चीज नहीं आती है। लेकिन एंड की ईद के दिनों में लोग समझ रहे होते हैं हमारे पास पूरे साल से पल्ला था या क्या मामला था, जो नहीं इस चीज को फॉलो करते तो एक हमारा इम्पैक्ट ये जाता है कि यार जानवर इतना खास तो बना नहीं। लेकिन बात क्या होती है वो हमारे पास 2 या 3 महीने पहले आया हुआ होता है, पूरे साल से जो पलके जो है तैयार होता है या कम से कम 8-9 महीने जो पलके तैयार होता है तो वो जो है ना एक अच्छी चीज तैयार होता है। क्योंकि मुझसे अभी भी काफी लोग दिसंबर जनवरी के अंदर जानवर डलवाने की बात कर रहे हैं, मगर का समीर से भी कर रहा हूँ कि भाई हम जनवरी फरवरी में जाके जानवर देंगे तो भाई उस टाइम तक पलाई क्लोज होगी। अगर यहाँ पे उस टाइम से पहले यानी अभी जितने जानवर हैं और अगर इसके बाद नहीं भी आते खुदा ना खास्ता और वो आ जाती है सर्दियाँ तो भाई सर्दियों के एंड होने से या मिड से सर्दियों के पहले से मैं क्लोज कर चुका हूँ भले यही रहे, ये बात तो स्ट्रिक्टली है इस दफा की। ठीक है। वहाँ वो 3 महीने अपने होते हैं, अपने तीन सेल महीने जो होते हैं आएंगे वो हमारे एक ना, अलग बात है। 3 महीने होते हैं जो जिसमें जी पलाई हमारी ऑफ होती है भाई, साफ सी बात नहीं है वो पलाई ऑफ, वो मैं एक पलाई। और बात जिक्र हाँ कर रहा हूँ कि वो तो पलाई ऑफ अपनी जगह मैं बिल्कुल साल के एंड तक फिर ऑफ हो ऑफ जाएगी, ही हो जाएगी जो जितने इंशाल्लाह जानवर होंगे इंशाल्लाह। बस वही पालने होंगे फिर। ठीक हो गया भाई। भाई अगर कोई और सवाल हो तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, बाकी उसके हवाले से भी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उस पर बात कर लेंगे। बाकी उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी सारी बातें पलाई के हवाले से। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा भाई, अगर वीडियो पसंद आई है। मान आप भी बोल दो, हमारी तो सुनते नहीं है, सुनते हैं ऐसे ही सुनेंगे। सुनते हैं सब आहिस्ता आहिस्ता सुनते हैं, और जैसे जैसे जो पड़ता है बस आप लोग करेंगे इंशाल्लाह, सपोर्ट तो कर ही रहे, इंशाल्लाह और इंशाल्लाह मुझे भी समीत को सैम एंटरटेनमेंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें भाई। ठीक है भाई। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।